हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे, सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस जो है इस वक्त खड़ी है वार्ड क्रमांक 48 में। यहाँ से कांग्रेस ने जो है अपना भरोसा जताया है रेखा सचिन सिलावट पे, और इस वार्ड में जो है हम पहले भी आए थे, तब भी हमने जो मुद्दे देखे थे, जो समस्याएं देखी थी, वो अभी भी जस की तस है। उस वक्त किसी और प्रत्याशी ने अपने वादे किए थे, यहाँ पर रेखा जी से जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं और वो जनता से क्या वादे करती हैं और उन वादों पर जो है कितना खरा उतरने की वे कोशिश करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, आपसे जानना चाहेंगे आप किन मुद्दों के साथ जो है चुनावी मैदान में हैं। यहाँ तो सारे ही मुद्दे ही मुद्दे हैं, इन मुद्दों का समाधान करना, जो नगर निगम की समस्याएं इन पे आती है उनको मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। हमारे साथ जो है सचिन जी भी बने हुए हैं, उनसे जानेंगे कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है। नगर निगम का चुनाव है छोटा सा ये, और यहाँ पे आम जनता विधायक से उम्मीद नहीं करती, सांसद से नहीं करती है। निगम के चुनाव में यहाँ पर जो मूलभूत समस्या रहती, सबसे ज़्यादा पार्षद को घेरा जाता है, पानी से, बोरिंग की, ड्रेनेज की, टेपिंग की, सड़क, गड्ढे, नाले और साफ सफाई व्यवस्था को देख के चुनाव किया जाता है। और सारे मतदाताओं का ध्यान अपने नेताओं पर रहता है कि ये काम छोटे काम तो पार्षद ही कराएगा, तो सारी जवाबदारी हमारी रहती है। हमको मतदाता 5 साल में चुनता है, एक विश्वास के साथ वोट देता है, उसकी विश्वास के घात करती है बीजेपी सरकार। 10 से 15 साल हो गए उनको यहाँ पर, यहाँ पर विकास आप देखेंगे मलिन मस्ती में जाएँ आप, ड्रेनेज का पानी बाहर बह रहा है, लोगों घरों में जा रहा है, गड्ढे खुदे हैं, यहाँ पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। 10-12 सालों में कोई विकास कार्य एक भी नहीं हुआ है। ये लोग सिर्फ रोड स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा लूट रहे हैं और लूट खसोट मचा रखी है इन लोगों ने। आपको नहीं लगता कि ये जो विकास, जो वार्ड की बात कर रहे हैं हम, विकास जो है पूरे वार्ड में ही नहीं हुआ है, सिर्फ मलिन बस्तियों में नहीं। यदि हम देखें यहाँ की जो पॉलिश कॉलोनी है, मनोरमागंज का जो कुछ हिस्सा इसमें आता है, या पलासिया का जो कुछ हिस्सा इस वार्ड में आता है, वहाँ पर भी जो है बारिश के दिनों में जो है पानी भरा जाता है, साथ ही साथ वहाँ पर सड़कों की भी हालत ख़राब है, सड़कें खुदी हुई है। इस तरह इस पूरे वार्ड का ये जो हिस्सा है ये पूरा ही अविकसित है। आधे से ज़्यादा तो एरिया आप देख लीजिए उसकी हालत कैसी हो रही है। पूरा वार्ड एकदम समझ लो आप, बीजेपी की सरकार ने 10 सालों के अंदर इसका बंटाधार कर दिया। हमारे पूर्व नेता राधे भैया ओरासी जी पार्षद थे, छोटे यादव जी थे, उस समय जो विकास हुआ उसके बाद यहाँ विकास ही नहीं हुआ। यहाँ दलाल लोग बैठे थे बीजेपी पार्षदों के, उन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार फैलाया कि लोग बोरिंग के नाम पर पैसे ले रहे, राशन कार्ड के नाम पर, पेंशन वृद्धा के नाम पर, हर चीज़ के नाम पर लूट की, ठेले वालों से पैसे लिए गए। ये पीली गाड़ी का आतंक ऐसा है कि पुलिस की गाड़ी से लोग नहीं डर रहे हैं, पीली गाड़ी से डरते हैं यहाँ पर आगे। समस्याएं वाकई बहुत है, और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि ये इस पूरे वार्ड को मैंने बहुत अच्छे से देखा है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो मलिन बस्तियाँ हैं या छोटे निचले स्तर के जहाँ लोग रहते हैं वहीं पर ही विकास नहीं हुआ। यहाँ पर वार्ड की बात करें तो इस हर जगह जो है पॉश एरिया जो है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि गंदगी जो है, कचरे का ढेर वहाँ है और उसको उन्होंने कवर अप कर रखा है। अब देखना ये होगा कि जब रेखा जी आती हैं तो इन समस्याओं का कितना वो समाधान कर पाती है। फिलहाल हम जनता के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्हें क्या समस्या है। इस वक्त कोई समस्या है आपको? हाँ, किस तरह की समस्या है मैडम? ये वार्ड में तो पानी, ड्रेनेज, सफाई नहीं होती है ठीक से, और बोलते हैं कि इंदौर शहर नंबर 1 है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। वार्ड में समस्याएँ समस्याएँ, हर दूसरे तीसरे दिन ड्रेनेज चौक हो जाती है, नल में पानी नहीं आता, आता है तो गंदा पानी आता है, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं। गरीबों की पेंशन नहीं मिलती है, राशन कार्ड नहीं है, कई सालों से राशन कार्ड नहीं बने, जो पहले के पार्षद थे उन्होंने बनाए, उसके बाद बने ही नहीं, नए जब से 15 साल हो गए इनकी सर, ये बीजेपी के पार्षद हैं यहाँ पर, कोई राशन कार्ड नहीं बना। सिर्फ पूर्व पार्षद राधे मोरासी ने राशन कार्ड बनाए तो 900 राशन कार्ड बने थे उनके कार्यकाल में, उसके बाद में किसी गरीब का राशन कार्ड नहीं बना है। आपको है कोई समस्या, कोई शिकायत? मैडम, मैं एक आम जनता के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि इस 15 सालों में जो जब से बीजेपी की सरकार आई है उन्होंने काम तो करा ही नहीं है, सिर्फ पैसे को कमाया है और जनता को तला है। आज पीली बत्ती के माध्यम से जो गाड़ियाँ आती है,
कचरे के पैसे लिए जाते हैं लेकिन कचरा नहीं लिया जाता है। वो बोलते हैं कि हम उस खड्डे का कचरा नहीं ले जाएंगे, और ड्रेनेज में से जो नल के अंदर पानी आता है वो मिक्सिंग आता है, वो बोले हम कॉलोनी वालों को पानी पहुँचाएंगे, गंदी बस्ती में नहीं पहुँचाएंगे, और खोद के पटक देते हैं, रोडों का कोई निर्माण नहीं करते हैं। इससे बहुत जनता त्रस्त है। सचिन जी, ये जो भेदभाव हो रहा है जिस तरह से इन्होंने बताया, ये नहीं लगता आपको कि रुकना चाहिए? नहीं, आम जनता है, सब एक ही समान होते हैं और सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। पर बीजेपी की करनी और कथनी में वो अंतर है, छल कपट के माध्यम से वो लोगों का वोट तो लूट लेती है पर विकास नहीं करती। वो समृद्ध परिवारों के वहाँ जाके जो छोटे मोटे काम है उनके ज़्यादा कराते हैं, हमारे गरीब बस्ती के लोग रह जाते हैं हमेशा, हर बार इनके साथ छल और ठगा हो रहा है। रेखा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो है सबसे बड़ी समस्या इस पूरे वार्ड की जो है गंदगी है। यहाँ पर जो हमने आगे एक खुलासा एक जगह है, एक क्षेत्र है, छोटा सा है, प्लॉट खाली है, वहाँ पर बहुत गंदगी थी। बावजूद वहाँ के जो लोग हैं कई बार शिकायत कर चुके हैं, उनका कहना था कि पार्षद सुनता ही नहीं है। तो यदि आप जीत के आती है तो आप जो है बराबर खरी उतरेंगी इनके वादों पर? आपने जो वादे किए वो खरी उतरेंगी उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खरी उतरूंगी। और ये जो मलिन बस्तियाँ बोल रहे हैं ना, उनको मैं इतना स्मार्ट बना दूंगी कि जो स्मार्ट बस्तियाँ बोलते हैं, स्मार्ट वार्ड बोलते हैं, उसको भी बोलेंगे कि लोग कैसे इन्होंने कितना विकास किया है यहाँ पे, मेरा ही नाम याद करेंगे लोग। आपको लगता है ये जो इतनी बातें कर रही है, जितने वादे कर रही हैं और जितने सारे प्लान बता रही हैं, वो सब पूरा कर पाएंगी? हाँ, हमें पूरा विश्वास है कि आपका पूरा समर्थन है इनको? मेरा पूरा समर्थन है, मेरे बोर्ड का भी पूरा समर्थन है। आप बताएं, आप जो है साथ देंगे रेखा जी का कि जो समस्याएं उनको दिख रही है और जिस तरह ये वार्ड पिछड़ा वार्ड दिख रहा है कि इसमें बहुत सारी समस्याएं भी, इसका विकास होना बहुत बाकी है, आपको लगता है कि रेखा जी आएंगी तो ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? जी हाँ, बिल्कुल हल होंगी, क्योंकि हम रेखा जी को उनके परिवार को बहुत वर्षों से जानते हैं, उनका पूरा परिवार हमेशा सेवा कार्य करता आया और वो आगे भी करेंगे, और हमारी समस्या यही सुलझाएंगी। आपको कोई समस्या है? जी रेखा जी से पूरा उम्मीद है, सब समस्या पूरी हो जाएंगी। देखिए, उम्मीद जो है हमेशा बनी रखनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। सचिन जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब इतनी सारी उम्मीद हमारे पास हमसे होती है और इतना विश्वास जनता हम पे दिखाती है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पे आ जाती है उसे पूरी करने की? मेरा तो यही निवेदन है कि यहाँ के मतदाताओं का विश्वास में खरा उतरूंगा और बात करूंगा 48 के लोगों के मतदाताओं जो मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। अगर मैं चुनाव जीत के आता हूँ तो यहाँ पर ये जो समस्या जितनी बीजेपी के राज में छोड़ गए हैं उसको पूरा दूर करने का प्रयास करूंगा, रात दिन 24 घंटे की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा। अच्छा, यहाँ पर जो है जिस तरह बताते हैं राशन कार्ड जो है अभी भी सभी लोगों के नहीं बन पाए जिनके बनना चाहिए, सरकारी योजनाओं का लाभ जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बीजेपी के दलाल बैठे ना मैडम, इस कारण नहीं मिल पा रहा उनको। 500 रुपये मांगते हैं, 1000 रुपये मांगते हैं, जो बच्चे गरीब लोग जाते हैं आप उनसे अंदर जाके पूछेंगे तो बताएंगे आपको क्या हालत कर रखी है उन लोगों ने, इनकी उनका जीना कैसे हो रहा है यहाँ पर। और भी कई सारे लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वो समर्थन करते हैं रेखा जी का। आप बताएं, आप रेखा जी के साथ हैं? जी हाँ, हम सभी लोग रेखा जी के साथ हैं, क्योंकि 10 वर्षों से बीजेपी के पार्षद यहाँ रहे हैं। अभी विगत 5 वर्षों से जितेंद्र चौधरी पार्षद थे, लेकिन त्रासदी ये कि कोरोना काल में जबकि जनता अति संकट में थी, वो एक बार इस मोहल्ले में नहीं आए, सहायता करना तो दूर, और अभी भी वो नहीं आ रहे, प्रचार में भी नहीं आ रहे हैं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी उसके संग प्रचार में आए, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि इस मोहल्ले में प्रवेश कर सके। तो इससे ही मालूम होता है कि बीजेपी के पिछले जो पार्षद हुए उन्होंने कैसे कार्य किए। तो अभी आपको भरोसा है कि यदि सिलावट परिवार आता है तो ये जो वार्ड है ये आदर्श वार्ड बनेगा? जी हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि पहले भी जब कांग्रेस के यहाँ पार्षद रहे हैं, चाहे छोटे यादव हों चाहे राधे बरासी हों, जब भी काम हुए हैं, छोटे यादव के समय में ओडीओ प्रोजेक्ट आया था तो ये गलियों में कीचड़ होता था, जब कीचड़ पूरी गलियाँ जब भी बनी थी, और ड्रेनेज लाइन भी एक फीट ब्यास की डली थी, वही ड्रेनेज लाइन अभी भी है, जबकि जब आबादी यहाँ पे 10,000 थी आज 20,000 से ऊपर है, 7,500 के आसपास तो वोटर ही है यहाँ पे, बहुत बड़ी बस्ती है ये, लेकिन वही ड्रेनेज लाइन और वही पानी की लाइन है पुरानी जो पहले डली थी, आज तक उसके बाद में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, और इसलिए सब लाइनें ड्रेनेज चौक होती हैं, पानी नहीं मिल पाता, आधी ग्वाल टोली को नर्मदा का पानी नहीं मिलता, लेकिन बिल सबके वहाँ आते हैं। देखिए, ये जो है सचिन जी बहुत बड़ी समस्या है कि पानी नहीं आ रहा है, बिल आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, उससे ज़्यादा जो है बिल आ रहे हैं। मैडम आपने बताया नहीं उन्होंने क्या हो रहा है यहाँ पे, हाल क्या कर रहा था बीजेपी के लोगों ने, पार्षदों ने दलाली सिस्टम चालू कर रखा था, वो जब तक पैसे आप नहीं दोगे जब तक वो काम नहीं कर रहे, कोई भी मठाधीश बने हुए उनको मालूम है कि आज
बीजेपी के कोई भी खड़ा करते हैं, जीत जाते उनके नाम पे उनके छल कपट कर रहे हैं, बीजेपी के वोटों को लेके दुरुपयोग कर रहे हैं और हमारे छल किया जाता है जैसे आम मतदाता का वोट लेके वो काम नहीं करते हैं। उसके बाद उनसे आपको नहीं लगता कि 10 साल जो होते हैं बहुत लंबा समय होता है, यहाँ पर लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि आप परिवर्तन चाहिए हमें? हम यही मतदाताओं से अपील करेंगे, आप इनको पहचानने का समय, ये रोटी पूरी जल गई है, अब इसको बदलने का समय, डोर चेंज करने का समय आ गया है मैडम। पिछले 10 वर्षों से बीजेपी की पार्षद रहे यहाँ पे और जिस पोलिंग बूथ से बीजेपी अगर हारी है तो उन्होंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। वहाँ पे पानी की समस्या, रोड की समस्या, लोग गर्मी में पानी के लिए तरसते रहे, बाकी बीजेपी वालों ने वहाँ पानी नहीं पहुँचाया। चाहे राशन की बात है, अभी कोरोना काल में बीजेपी वालों ने बीजेपी वालों को ही दिया, आम जनता को नहीं दिया राशन। राशन कार्ड है उसकी समस्या है, पानी की ड्रेनेज लाइन की समस्या है, जगह जगह पानी, अपने गवली मोहल्ले में पानी भरा जाता है, बहुत सारी समस्या है। और हमें कांग्रेस के प्रत्याशी जो रेखा सचिन सिलावट है उनसे बहुत उम्मीद है। हमेशा काम वार्ड में कांग्रेस ने ही किया, अन्यथा बीजेपी वाले आए और चले गए अपना धंधा जमा के। इस वार्ड का दुर्भाग्य तो ये है कि तकरीबन यहाँ पे कई दशकों से बीजेपी के पार्षद रहे हैं, बीजेपी के विधायक भी रहे हैं और उनकी परिषद भी उन्हीं की रही, लेकिन आज इस वार्ड को दोयम दर्जे से देखा जाता है। आज पाश कॉलोनियों को छोड़ दो तो मलिंग बस्तियों की हालत बस से बदतर है। कई गलियों में चैम्बरों के ढक्कन खुले रहते हैं, कई गलियों में कचरों का साम्राज्य बना रहता है, 4-4 दिन हो जाते हैं, सफाईकर्मी ध्यान नहीं देते, सफाईकर्मी आते नहीं है, जब झोन पे जाओ शिकायत लेकर तो वो एक ही बात कहते हैं कि कहाँ रहते हो, हम कहते हैं बड़ी ग्वाल टोली रहते हैं, तो बोले वहाँ के लोग ही गंदे, तो कचरों से भी 3-3, 4-4 दिन हो जाते, उठते नहीं, सीएम हेल्प लाइन पे भी नंबर लगा के देख लेते हैं तो वहाँ से भी निराकरण कई दिनों बाद होता है। और भाई रेखा सिलावट छोटे भैया के बाद और राधे बोरासी के बाद एक ऐसा पार्षद प्रत्याशी मिला है हमको जो बहुत ही जुझारू है, और हमारे सचिन भाई बहुत ही हसमुखुल मिलनसार रहे, इन पर कोई किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, पूरा विश्वास है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इस वार्ड के लोगों ने कांग्रेस के सचिन सिलावट, उनकी धर्मपत्नी रेखा सिलावट जी को आशीर्वाद दिया तो इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने से अब कोई नहीं रोक पाए। आप बताएं आप किसके साथ हैं? मैं रेखा जी के साथ इस विश्वास के साथ हूँ कि इस वार्ड की जो पृष्ठभूमि है वो बहुत मिली जुली है, जहाँ मनोरमागंज जैसी पास कॉलोनी है, कैलाश पार्क, तिरुपति, पद्मावती, लाला राम नगर, सेवा सरदार नगर जैसी बहुत अमीरों की कॉलोनियाँ हैं, वैसे गरीब बस्तियाँ भी हैं जैसे बड़ी गोल्टोली है, चिटनेस का पुरवा है, इंदिरा नगर है। और इस पृष्ठभूमि में जब मैं पार्षद था तो मेरे वार्ड के हिस्से में जो हिस्सा आता था, आप मनोरमागंज की सड़कों को देखें, आप जनसंपर्क से मैंने उन तमाम सड़कों को बनाए, शांति नगर में आप जाके देखें कलम ने जनसंपर्क किया, वो सड़कें मैंने सब बनाई हूँ, बड़ी गोल्टोली गली गली में मैंने सड़कें बनवाई, ड्रेनेज लाइन डलवाई, पानी की व्यवस्था मैंने करी, तिरुपति, पद्मावती, गीता नगर, सेवा सरदार नगर, तमाम मैंने गार्डनों का निर्माण किया। और उन्हीं तमाम कामों के दम पे मैं आज रेखा सचिन सिलावट के लिए वोट मांगने के लिए अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ निकला हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि अभी जैसे बताया एक साथी ने कि गरीब रेखा का राशन कार्ड, मेरे बाद कहीं एक कार्ड भी किसी ने नहीं बनाया। दो पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, एक विधायक, वो मंत्री भी यहाँ रहे और महापौर चार, वो लगातार यहाँ इस क्षेत्र में रहे, लेकिन चुनाव के समय आकर झूठा वादा करके वो चले जाते हैं। सीएम साहब भी दो बार यहाँ पर आए, दो बार नगर निगम चुनाव में दिलीप शर्मा जी के लिए वोट मांगने आए, जितेन चौधरी जी के लिए भी वोट मांगने आए, लेकिन उन्होंने कोई एक्स्ट्रा पैकेज इस बस्ती के या इस वार्ड के विकास के लिए उन्होंने नहीं दिया। जो काम मैंने किया था वही काम करीब करीब लगभग है, और जो अब अधूरा काम है उसे मैं उम्मीद करता हूं कि जब रेखा सचिन सिलावट जी जीतेंगी चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं के दम पे, तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर, जिस तरह छोटे यादव के चुनाव जीतने के बाद हमने विकास कार्य किया था, मेरे चुनाव जीतने के बाद सब साथियों की सलाह से विकास कार्य किया था, उसी तरह हम पूरी ताकत से लग के जो हम वादे कर रहे हैं पूरी तरह से हम उन वादों को निभाएंगे, और जो जनता हमें घर घर जाकर समर्थन दे रही है उनके प्रति भी जो काम बता रहे हैं हम पूरा करने का पूरा भरसक प्रयास करें, चाहे हमें किसी भी समस्या के लिहाज से गुजरना पड़े हम पूरा काम करेंगे। नगर निगम आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर इस वार्ड में जो है बगीचे और खेल के मैदानों की मैदान है, और यदि है तो क्या स्थिति में है? उस जो गार्डन का विकास हमारे पूर्व पार्षद जी ने कराया था उसके बाद बहुत कम विकास हुआ है मैडम, और पुराने हमारे नेताओं ने जो विकास किया उसी विकास पे काम चल रहा है,
और आगे भी हम उस विकास को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी को यहाँ पे जो प्रत्याशी को हरा कर यहाँ पे जीत के विकास की रचना करते रहेंगे, आदर्श वार्ड के रूप में इस 48 नंबर वार्ड को स्थापित करेंगे। इसलिए हमारी तो उम्मीद है कि यहाँ जो अधूरे विकास कार्य या जो विकास ही नहीं हुआ है इस वार्ड का, आने वाले 5 सालों में ये पूरा वार्ड जो है आदर्श वार्ड बने। साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि स्मार्ट वार्ड की तरफ अग्रसर हो, पर इसके लिए जरूरत है यहाँ की जनता के जागरूक होने की। सही व्यक्ति चुने, अपने मताधिकार का सही प्रयोग करें, सही और सक्रिय नेता चुने। नमस्कार।